ऐड करते हैं एपोमिक्सिस इसी पॉइंट को, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस यानी कि मतलब क्या हो गया, एपोमिक्सिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो फॉर्मेशन चल रहा है, लेकिन जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन चल रहा है वो किस प्रकार से चल रहा है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो थ्रू 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 एसेक्सुअल मेथड, एसेक्सुअल मेथड यानी कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन जो चलता है किस प्रकार से चलता है, एसेक्सुअल मेथड से चलता है, इसका मतलब विदाउट विदाउट गैमेट फॉर्मेशन, विदाउट गैमेट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यहां पर किसी प्रकार का फर्टिलाइजेशन नहीं है और गैमेट फॉर्मेशन भी नहीं है, फिर भी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एपोमिक्सिस कहेंगे। और एक पॉइंट हम यहां पर ऐड करते हैं, एपोमिक्सिस के अंदर किसी प्रकार का मियोसिस नहीं होता है, मींस नो एनी मियोसिस और सिंगामी, मियोसिस एंड सिंगामी, यहां पर मियोसिस भी नहीं है और सिंगामी भी नहीं है, ये पॉइंट यहां पर हमें याद रखना है इंसान के बेसिस पर, वहां पर मियोसिस भी नहीं चल रहा है और सिंगामी भी नहीं होता है, ये दोनों प्रोसेस नहीं है फिर भी एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, इसलिए ये प्रोसेस जो है ये एपोमिक्सिस प्रोसेस है। ये पॉइंट हम अच्छी तरह से अभी यहां पर समझ चुके हैं, ठीक है। क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है एम्ब्रियो का, किस प्रकार से हो रहा है, एसेक्सुअल मेथड से हो रहा है, वहां पर गैमेट फॉर्मेशन तो नहीं है और फर्टिलाइजेशन भी नहीं है, मियोसिस भी नहीं दिखाई दे रहा है और सिंगामस कंडीशन भी वहां पर नहीं है, फिर भी जो डेवलपमेंट होती है किसकी डेवलपमेंट हो रही है, एम्ब्रियो की, एम्ब्रियो डेवलप्स डेवलप्स इन ओव्यूल, कहां पर डेवलप हो रहा है, ओव्यूल के अंदर डेवलप हो रहा है, ये बात याद रखेंगे। इसके कुछ टाइप्स भी दिए वाले हैं एपोमिक्सिस के, कितने टाइप्स होते हैं देखेंगे, एपोमिक्सिस के अगर बारे में हम बात करेंगे तो एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस एपोमिक्सिस जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, यहां पर ट्री डायग्राम के फॉर्म में हम उसे निकालेंगे, तो सबसे फर्स्ट होती है एपोगामी और दूसरा होता है एपोस्पोरी, एपोस्पोरी। एपोगामी के अंदर क्या हो रहा है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है कहां से हो रहा है, डेवलप फ्रॉम फ्रॉम गैमेटोफाइटिक सेल, गैमेटोफाइटिक सेल से एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। एग्जांपल भी हम यहां पर लिखेंगे लेकिन एपोस्पोरी के बारे में बात करेंगे फर्स्ट, तो यहां पर जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम फ्रॉम स्पोरो फाइटिक डिप्लॉइड से, स्पोरोफाइटिक डिप्लॉइड से, ठीक है, सिंपल बात है। एग्जांपल क्या होता है, एग्जांपल्स यहां पर सीधा सीधा दिए वाले हैं, एपोगैमी और दोनों के लिए कॉमन एग्जांपल लिखेंगे हम, ऑरेंज, ऑरेंज के बाद हम यहां पर मैंगो का भी एग्जांपल ऐड करेंगे, तो ये सिंपल सा वहां पर हमें एपोमिक्सिस के बारे में स्ट्रक्चर पता चलता है, एपोमिक्सिस क्या होता है इसके बारे में पता चलता है। उसके बाद हम चलते हैं पार्थेनोकार्पी की तरफ, सिंपल पॉइंट है पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर भी डेवलपमेंट है लेकिन फ्रूट की है, तो सीधा सीधा हम यहां पर लिखेंगे डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल बनाना है, पाइनएप्पल है, और भी एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं, मैंगो का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से वहां पर हम एग्जाम्पल लिखेंगे। इसे सबसे फर्स्ट जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था, नॉन इन 1902, ये बात हम एग्जाम के बेसिस पर याद रखेंगे। उसके बाद देखो पार्थेनोकार्पी हो गया, अब एक सिंपल सी बात और यहां पर हम ऐड करेंगे और टॉपिक को यहां पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो कौन सी सिंपल बात है, उसके लिए थोड़ा जगह ही बनाना है हमें, यहां पर ही जगह बनाएंगे, पॉलीएम्ब्रियो,
पॉली एम्ब्रियोनिक जो हमारा अनदर पॉइंट है, पॉली एम्ब्रियोनिक। इसी पॉली एम्ब्रियोनिक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसे सबसे फर्स्ट जो बताया था वो बताने का वर्क लिवेऑक, इन्होंने बताया था। कब बताया था? 1719 में। ये बात यहां पर याद रखना बहुत जरूरी है। क्या होता है पॉली एम्ब्रियोनिक? मल्टीपल एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, मल्टीपल एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है। और ये जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन चलेगा तो ये कहां पर होता है? एग्जांपल सिट्रस का यहां पर दे वाला, सिट्रस के बाद एग्जांपल और भी यहां पर हम ऐड करेंगे पाइनस। तो ये सिंपल पॉइंट हमारा आज यहां पर खत्म होता है। तो इतने सारे बातें हमने यहां पर आज कवर किए। सबसे फर्स्ट हमने एपोमिक्सिस के बारे में बताया, क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो थ्रू एसेक्सुअल मेथड, जिसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन नहीं है, फर्टिलाइजेशन भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद मियोसिस नहीं हो रहा है, सिंगियामस भी नहीं हो रहा है। देन एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है ओवल के अंदर हो रहा है, पार्थेनोकार्पी में फ्रूट की डेवलपमेंट है लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन है। और एग्जाम्पल बनाना पाइनएप्पल, हम याद रखेंगे पाइनएप्पल, ठीक है। देन मैंगो का भी एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं। और नॉन इन्होंने 1902 में हमें इसके बारे में बताया था। फिर पॉली एम्ब्रियोनिक जिसके अंदर लिवेऑक बताते हैं 1719 में, और मल्टीपल एम्ब्रियो फॉर्मेशन चलता है, एग्जाम्पल सिट्रस और पाइनएप्पल होता है, तो सिट्रस और पाइनस होता है सॉरी। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। और इसी को लेकर आज हमने सीधा टॉपिक नंबर फर्स्ट, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट होता है, वो पूरी तरह से कंप्लीट किया है, जिस चैप्टर को हम रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स के नाम से जानते हैं।